ये गाय है यहाँ दूध निकलता है। अच्छा अच्छा, जय माता दी जी। ये भैया मिले हैं हमारे को, इन्होंने हमारी गाड़ी पार्क करवा दी है। भाई साहब कितने सारे हैं यहाँ, तो बहुत बहुत ज्यादा। ओ भाई मेरे, भाई हम आगे निकल गए थे, हमें पता नहीं था कि ये हैरी भाई घर रह गया। गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नए दिन की नई शुरुआत ये मेरे दोस्त के साथ। आज जो है ना, हम लोग ना रात को लेट आए थे, मतलब तो सुबह लेट उठे हैं। अब टाइम कितना हो रहा है, 9 बज गए। ये भाई ने आके मेरे को उठाया, कह रहा उठ जाओ, सोते ही रहोगे क्या। इसने स्कूल जाना था, ये छुट्टी कर रहा है क्योंकि इसको थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रहा है, मतलब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। और देखो अभी भी, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा जुराबे पहन के। मैं बोल रहा हूँ चप्पल पहन ले, तो बोल रहा है नहीं मैं चप्पल नहीं पहनता, मैं ऐसे ही घूमूंगा, ऐसे ही घूमेगा। चलो धूप में बैठते हैं। तो आज का कुछ अभी प्रोग्राम तय नहीं है, देखो अभी बच्चों को उठाते हैं, अभी सो रहे हैं, उनको उठाते हैं और देखते हैं आगे क्या करते हैं आज। आनंद भाई तो चाय बिस्किट विस्किट लेके मेरे लिए वो आ गए हैं जल्दी से। हाँ जी, अभी अभी उठे हो क्या? हाँ, ठंड बहुत है वाकई में यहाँ पे। धूप भी है ना साथ में? नहीं धूप तो है लेकिन ठंड होता है, मुझे तो ठंड लग रही है, जैकेट पहननी पड़ेगी। भाई वासु कल हमारे को मिल नहीं पाया। ओह धूप आ रही है, आजा इधर आजा। ये रामानंद का बड़ा बेटा है वासु, भाई हमारे को कल मिल नहीं पाया, बिजी था शादी में। अभी स्कूल जा रहे हो आप? अच्छा कितने बजे आओगे? 5 बजे। चलो आ जाओ आ जाओ, हो आओ, मिलते हैं आपको फिर। सामने वो स्कूल की बस आ गई है, ये जा रही, और रामानंद का बेटा वासु जो है वो इधर खड़ा हुआ है, वो आगे निकल के, बच्चे उधर चले गए, मतलब इधर खड़े थे और उस तरफ खड़े हो गए। अब जाके मकान के छत पर आया था, मतलब टॉप पर, तो यहाँ से किला देखने आया था, धूप बहुत तेज है। मैंने सोचा शायद कुछ और दिख जाए आसपास का एरिया, ऊपर से देखने के लिए आया हूँ। ये जो हिस्सा है ना, ये भाई के पुराने टाइम के मकान का बना हुआ है, और ये पीछे जो टीन शेड है, तो शेड के नीचे जो है ना गायें हैं, और ये खुद ही देखभाल करते हैं, और गाय का दूध जो है मतलब इनको घर पे ही मिल जाता है, बाहर से मंगाते नहीं है ये। चलो जी देखते हैं, बच्चों को उठाते हैं, अभी भी सो ही रहे हैं। ओह ये तो सो ही रहे हैं अभी, ऊपर चढ़ के उठा रहे उठा दे उठा दे। हाँ जी भाई जी, क्या कह रहे हो? नाश्ता करो। नाश्ता तो आप तो रेडी हो के आओ। मैं हो जाऊंगा, आओ फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ता उसका करो। ओहो इधर भाई ने नाश्ते की तैयारी कर रखी है, क्या बात है। कचौड़ियाँ, पोहा और नमकीन, लहसुन की चटनी। अच्छा सॉस। नाश्ता चालू हो गया? नाश्ता चालू हो गया, आप ले आए हो, हमने चालू कर दिया। क्या बात, भाभी जी हाँ जी, नाश्ता उस्ता कर रहे हैं? हम रेडी थे तो हमने कहा हम कर लेते हैं, बच्चे रेडी हो रहे हैं अभी। चलो कोई नहीं, और पोहा और कचौड़ी, सबसे बढ़िया नाश्ता, हल्का भी है, हल्का भी है और बढ़िया भी है। चलो ठीक है, करो नाश्ता करो आप। अब आप क्या कह रहे थे, पोहा के ऊपर भुजिया डाल के? ये बीकानेरी भुजिया। अच्छा मिक्स करके खाओ, बहुत टेस्टी होगा। चलो इसको मिक्स करते हैं। हाँ। तो भाई अब निकल रहे हैं, पहले रामानंद भाई को श्री डूंगरगढ़ छोड़ेंगे, और उसके बाद में हम चल रहे हैं आगे, देखते हैं बीकानेर जाएंगे या रास्ते में रायपुर है जगह, वहाँ चलते हैं। और भाई मजा आ रहा है इधर? ओहो क्या बात है, ये भाई को भी लेके जाते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी तबीयत ढीला है, तो मतलब इसलिए हमारे साथ नहीं जा रहा है। बैठे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस पे चलें क्या? जट दा मुकाबला, 10 मैलू कितने ली। चलो चलो आ जाओ गाड़ी में बैठे, पहले पीछे चलते हैं, वो जहाँ पे वो शेड दिखाया था मैंने आपको कि भाई नीचे गाय है, तो वहाँ पे पहले गाय को मिल के आती है। ठंड है यार। ये आपका ये पुराना वाला घर है, बहुत बढ़िया है, ये भी अच्छा बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। चलो चलो चलो, ये गाय है यहाँ दूध निकलता है। अच्छा अच्छा,
एक दो और दो बछड़े हैं। सही है पापा, देखो यार, गांव की कोई बात ही अलग है यार। लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए रामानंद भाई, हाँ इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन हर कोई चीज ओरिजिनल मिलती है, हाँ हर कोई सेवा नहीं कर सकता ना। बाजार से लाओगे सारी चीज, आती हैं, हाँ चीज ओरिजिनल मिलेगी, बाजार में से लाओगे मिलेगा। ये भाई को देखो तेरे तो दोस्त है ना ये, हेलो ये कचरा चारा है, हाँ ये चारा पड़ा हुआ है। सही है, नहीं नहीं हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, जा रहे हैं जा रहे हैं। कौन आ गया? हमारी भाभी करती है पूरी देख रेख, बड़ी हिम्मत है भाभी की सच में, बहुत हिम्मत है वाकई में। चलो अब हम चल रहे हैं आगे। देखो घर में ही चक्की लगा रखी है, आटा पीसो और खाओ, और खाओ ताजा आटा और ताजा सब कुछ, बढ़िया है ग्रामीण भाई। ये लाइफ बहुत बढ़िया होती है, हम लोग शहरी समझ नहीं पाते इस चीज को। हाँ वही तो कह रहा हूँ, गांव का कल्चर ही अलग है। भाई के खेत भी हैं, कल चलेंगे खेत देखने के लिए। वाह भाई ये भाई के खेत के बेर आए हैं, ले लो ले लो। इसको बहुत पसंद है, ये बहुत खाता है भाई बेर इसको बहुत पसंद है। तो रामानंद भाई को भी बोला था साथ जाने के लिए, लेकिन इनको कुछ काम है, श्री डूंगरगढ़ उतरेंगे ये अभी, फिर हम लोग वहां से आगे चलते हैं। देखो बीकानेर जाना है, या भाई बता रहे हैं कि रायसर चले जाओ, वहां पर डेजर्ट सफारी वगैरह है, तो एंजॉय करते हैं। और यहाँ वैष्णो के करनी माता का मंदिर है, चूहो वाली माता का। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक मतलब टूरिस्ट पैलेस है, मैं तो गोल्डी बैग बोल रहा हूँ, एक बार आया तो जाके आइए। हाँ देखिए वहाँ जा रहे हैं तो फिर पास में ही है, पास में ही है, ज्यादा आएंगे, ज्यादा दूर नहीं है। सही है, ठीक है रामानंद भाई, आप घूम के आओ, एंजॉय करके आओ, मिलते हैं रात को। हाँ शाम को आ जाऊंगा मैं, ठीक है मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, आप करो करो। ओके सर, तो अभी हम लोग जो है ना पहले चल रहे हैं करनी माता मंदिर, तो हमारा तो बहुत मन है देखने का, लेकिन जो गुरुवंश है ना ये मना कर रहा है, क्योंकि रामानंद भाई बोल गया था कि वहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं, वो देखना आप, मंदिर भी बहुत अच्छा है 20,000 से ज्यादा, तो ये डर रहा है बस उनसे। अब चलते हैं और देखते हैं, हम भी पहली बार देखने जा रहे हैं। भाई ये रास्ते में देखो ये सिस्टम पता नहीं क्या हुआ है, तार टूटी है क्या हुआ है, गाड़ी खड़ी की है। ओहो ये गाड़ी टकराई है उससे, खंबे से गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है। वंडरलैंड अभी बन रहा है ये वंडरलैंड। लो जी गेट आ गया, ये बना हुआ मतलब पिलर बने हैं, गेट तो नहीं बना। यहाँ से मुड़ते 500 मीटर की दूरी पे है करनी माता मंदिर, और ये सामने ही स्टेशन है देशनोक, बिल्कुल मंदिर के सामने ही है, वो सामने नजर आ रहा है मंदिर, और यहाँ स्टेशन। जय माता दी जी। ये भैया मिले हैं हमारे को, इन्होंने हमारी गाड़ी पार्क करवा दी है, तो ये भैया की दुकान है यहीं पे, इनसे प्रसाद लेंगे और आगे चलेंगे। तो ये जो थाली है पूरी जो माता के मंदिर के लिए बना रखी है आप लोगों ने प्रसाद के लिए, और ये खाली उधर चूहों को डालते हैं, और बाकी जो है सारा वहीं देना है। अच्छा अच्छा, कितने की है ये? 200 रुपये की, ठीक है दे दो कोई नहीं। मंदिर के बाहर ही काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई हैं, और ये खुद सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल, तो ये खुद ही बुला के आपको गाड़ी पार्क करा देंगे। मतलब इनका कोई ज़्यादा बड़ा लालच नहीं है, कि बस इनको ये होता है कि हमारे से प्रसाद ले लें बस, लेकिन गाड़ी पार्किंग करने की कोई समस्या नहीं है, कहीं भी लगाओ। सामने ही गेट है जी ये, और इधर मंदिर, अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं मंदिर के। जूते चप्पल का स्टैंड है जी, और आप यहाँ पे जूते रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल कोई है नहीं है। ओह चूहे तो यहाँ पे दिखने ही चालू हो गए, कितने सारे, अरे वाह कितने सारे चूहे एक दूर। भाई लोग तो बाहर भी उतार के जा रहे थे जूते चप्पल, लेकिन हमने स्टैंड पे उतारे। ओ देखो भैया ने तो चूहा, वो भाग गया आपने तो पकड़ के ऊपर रख लिया था चूहा, वो डर रहा है खाव खाव में, चलता ही रहता है कपड़ों में ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ गुरुवंश।
देख ले भैया, ले तो पकड़ के दिखा दिया तेरे को। चलो जी एंटर करते हैं। ये मेन गेट है मंदिर का एंटर करने का, आओ अंदर चलते हैं। ये देख घूम रहे हैं इधर, ये देख इग्नोर, पानी पी रहे हैं देख। वाह चने डाले हुए हैं इधर खाने के लिए, अंदर भरे पड़े हैं। क्या हो गया गुरुवंश यार, तू घबरा क्यों रहा है? कुछ नहीं हो रहा, इतना क्यों डर रहा है? कुछ नहीं हो रहा। आजा सिमर इधर लाइन में, इधर मत्था टेकने अंदर। लो जी ये लाइन लगी हुई है करनी माता मंदिर। यहाँ पे अगर मोबाइल खोलोगे तो 30 रुपए देने पड़ेंगे कम से कम। लो जी लाइन बड़ी है काफी, अंदर तक तो आई है। एक नूर देख लड़ाई कर रहे हैं भाई, ये तो खाने के लिए नहीं है ना, वो भाग रहे भाग रहे। ये आ गई, ये आ गए, ये ऊपर बैठ गया है, ये ना नीचे जा पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। मैं तिलो ये पीछे गिरेगा। ये मंदिर में जगह जगह घूम रहे हैं, हम लाइन में खड़े हुए हैं। एकनूर एकनूर ये देखिए ड्रम के ऊपर चढ़े हुए हैं। जय कोई बात नहीं, जाने से नीचे है तो यार देख रहा है। बड़ी तेज तेज जा रहा है ये। कहीं भी डाल दे वो बिल में से बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं। चलो चलो बेटा हम भी चल रहे हैं आपके साथ, बाहर ही चल रहे हैं हम भी। वो खा के पानी पीने भी आ रहे हैं। आ जाओ ओ भाई कूद रहा है भाई साहब, बहुत सारे चूहे हैं यार सच में। मंदिर में ना ऊपर जाल लगा रखा है ये लोहे का, क्योंकि ये चूहों को उठाने के लिए कोई पक्षी वक्षी ना आ जाएं, इसलिए ये देख पूरे मंदिर में लगा रखा है। हाँ सेफ्टी की हुई है उनकी। भाई साहब कितने सारे हैं यहाँ तो। उमर तू फोटो खिंचवा रही है यहाँ बैठ के चूहों के साथ? अच्छा खींच देता हूँ। देख इग्नोर इतने सारे कबूतरों के बीच में एक ही तोता देख रहा है। हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। क्या कह रहे हो आपके घर में भी है? घर में भी वो चूहे हैं मेरे, ठीक है जितना मेरा परिवार नहीं उतने मेरे घर में चूहे हैं, और कुछ चीज का नुकसान नहीं करते। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उनके घरों में सारे में चूहे हैं। तो मंदिर से बाहर आते ही भाई गन्ने का रस पीने का मन किया, अब गन्ने का रस पीते हैं फिर चलते हैं आगे। मंदिर जो है ना बाहर से देख किले की शेप में दिया हुआ है, सच में बहुत मीठा है, ऐसे लग रहा है ना कि चीनी मिलाई है जैसे। पर इतना मीठा जूस तो मैंने कभी नहीं पिया है ना, बहुत ही मीठा था। पंजाब भी कितनी बार मैंने उसको बोला चीनी डाली है क्या, कह रहा सर चीनी तो है, मैं कहा वो तो मुझे भी पता है लेकिन इतना मीठा गन्ना मैंने नहीं देखा, और बहुत बढ़िया था। लो जी आ गए हैं वापस माथा टेक के, अब हम आगे चल रहे हैं रायसर। अरे विच कार खड़ी हो गई है गाय, ट्रैफिक है इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। करनी माता मंदिर माथा टेकने के बाद में अब हम लोग चल रहे हैं सफारी के लिए, डेजर्ट सफारी। किसी ने रिकमेंड किया था मेरे को भैया का नंबर, तो उनको कॉल करते हैं और फिर पूछते हैं कहाँ पे आना है। तो भैया ने लोकेशन भेज दी है, थोड़ी सी दूर ही है, और चलते हैं और फिर उनसे मिलते हैं। ये भाई जी से बात हुई थी हमारी,
कि हमें थार की वो डेजर्ट सफारी की, तो क्या पैसे लोगे? 1500 पूरे? कुछ कम नहीं? देख ले यार कुछ कम हो तो। अभी सीजन का यही चल रहा है सर। सीजन का यही है तो कितना अंदर जाना है? अपना अप डाउन का होगा 15 किलोमीटर होगा। 15 किलोमीटर और वो कैमल वैमल अंदर ही है? कैमल सब अंदर। ठीक, रुकना हमने रात को भी था यहाँ पे कैंप में, लेकिन हमारा दोस्त नहीं रुकने दे रहा। चलो वो कैमल का आपका अलग बताया होगा। कोई बात नहीं जो भी आप, चलो ठीक है गाड़ी यहाँ यहाँ लगा दे। गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है और अब हम इसमें चल रहे हैं जिप्सी में डेजर्ट सफारी के लिए। चलो जी भैया जी। हाँ जी एकनूर जी, मजा आ रहा है? अभी तो बैठे ही हैं, अभी थार में मजा आएगा, डेजर्ट में क्या बात है, फुल एंजॉय, क्या बात है गुरी। धूप आ रही है यार बड़ी तेज। यार ठीक है, काफी सारे कैंप के बोर्ड लगे हुए हैं मेन हाईवे के ऊपर ही, और वहां से अंदर लेके जा रहा है भैया। क्या बात है भाई, क्या बात है। यहाँ पे वो डून्स तो नहीं है लेकिन डेजर्ट सफारी का मजा अलग है, है ना? क्या बात है वे? जैसलमेर की याद आ रही है, है ना? भाई कभी नीचे बैठ रहा हूँ, कभी उठ रहा हूँ, हिल बहुत रहा है ना इसलिए। गुरी टाइट पकड़ियो। ओ भाई, ओ भाई साहब, इसलिए तो वो उधर लेके जाएगा। ओए होए, ओ भाई क्या बात है। अरे भाई क्या एक्सपीरियंस ही अलग है। वो सामने देखो डून्स पे, ऊपर भी कैंप लगे हुए हैं और पीछे भी बड़े सारे थे भाई। मजा आ गया, मजा। और आप से ओ भाई मेरे, ये क्या हो रहा है? देख तो सही, ओ ऊपर नीचे, ओ वो बहुत सारे हैं ये तो। ओ भाई साहब, ओए पलट जाएगी। ओ भाई वो देख तो सही। शिवर क्या ला? ओ दे वीडियो बना रही, इतना हिल रहे हैं। ओ भाई मजा आ गया भाई। ओए होए होए, ओ भाई साहब बहुत अच्छा बना रखा इन्होंने। ओहो आगे क्या ये तोड़ेगा? ओ भाई ये तो बंद है, मुझे तो ऐसा लगा ये तोड़ के जाएगा आगे। आगे रास्ता बंद था इसलिए वो फिर नीचे गिर दिया। आगे रास्ता बंद था इसलिए वापस। ओ भाई साहब स्लिप बड़ी कर रही है। ओ भाई वहाँ नीचे जाएगा भैया, देख बहुत नीचे है ये तो, बहुत बहुत ज्यादा। ओ भाई मेरे, ओ भाई आराम से, ओ कितनी ऊपर से उतार रही है इसलिए। ओ बाप रे बाप, इसी के ऊपर कैंप लगा हुआ है, भैया कह रहा है इसके ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ऊपर से व्यू। इधर बहुत सारे कैंप है अलग 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 तरह के, देख। हाँ आगे ये आ गया ना वो मेन प्लेन एरिया इनका डून्स वाला, पूरे कैमल अलग अलग टेंट लगे। आ गया आपके साथ में, बहुत अच्छा लगा। आपका नंबर मैं अपनी वीडियो में भी दे दूंगा। हमें बहुत अच्छा लगा, ऊपर से नीचे लेके आए, नीचे से ऊपर। ये स्पेशली बना रखे है ना कुछ हिस्सा? हाँ ये आर्टिफिशियल है। हाँ ये आर्टिफिशियल है, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि चारों तरफ जो है ना वैसे ग्रीनरी है। हाँ ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। बहुत अच्छा लगा हमारे को। अब हम यहाँ पे उतर के फोटो शोटो ले ले जरा दो चार। कैमल सफारी इधर ही। हाँ कैमल सफारी भी करेंगे भाई। दूर दूर तक देखो डेजर्ट ही डेजर्ट है और हम टीले के ऊपर आ गए हैं। हाँ जी गुरुवंश जी, ठीक हो? कि मजा आ रहा है, इंजॉय हो रहा है ला? बात ठीक है।
जैसलमेर ना एक अलग ही चीज है, ए अलग चीज है, हाँ, लेकिन ए वे कि मजा आया, ए नहीं कह सकते कि भाई इधर आके मजा नहीं आया, बिल्कुल ही नेचुरल है ना। रायसर जगह का नाम है, रायसर बीकानेर के बिल्कुल पास में है, यहाँ पे कैंप भी लगे हुए हैं, मौसम अच्छा है तो धूप में भी अच्छा लग रहा है, नहीं तो इतनी देर थोड़ी, गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल हो जाए। हाँ अभी हम कैमल राइड करेंगे भाई, इनके कैंप में ना अभी एक ही कैमल है, एक ही ऊँट खड़ा है, तो बोल रहे दो दो करके भाई आप इधर घूम सकते हो, तो एक नूर बैठो बैठो आगे बैठो, पैर रख दे उसके अंदर, वो बाद में डाल दें, पहले आप बैठ जाओ, आगे से पकड़ लो, पकड़ लिया भाई, एक नूर आगे से यहाँ से, ओ भाई मेरे ये तो बात ही हो रहा है, अब हो सकते हैं सीधा जा रहे हैं जी हम दिल्ली, बाय बाय। गुरुवंश बैठ बेटा, यार तू डरता क्यों है, ये बहुत डरता है यार, आराम से बैठ, आगे से टाइट पकड़ना है ऐसे, हाँ आगे से पकड़ सके तो आगे से पकड़ ले, थोड़ा ये गिर जाएगा, ये नहीं पकड़ेगा भाई ये, अब आप जा रहे हो ओके बाय बाय। शैतान को तो मौका मिल जाता है जहां भी जाता है, इसको शैतानी करने का, वो देख मिट्टी उड़ाई जा रही है। एक नूर भैया बोल रहा है अब यहाँ से नीचे उतारेगा, काफी नीचे है यार, मैं पैदल चला जा सकता हूँ, पैदल मेरे लिए ठीक है, क्यों गाड़ी में लेकिन मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है भाई, सीधे ऐसे नीचे जाती है वो दिन में, फिर तो टक 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 जो भी है यार मजा आता है। ये पता नहीं नए नए क्या चीजें ढूंढता रहता है, क्या बनाता रहता है, हाँ भाई क्या बनाया बता तो दे, कुछ भी नहीं ना देखो, ये हाथ में रुकती नहीं है ना, पकड़ी नहीं सकते, मिट्टी साफ मिट्टी। हमने आगे बुलाई है फोटो के लिए कि भैया ऐसे खड़ी कर, इसके आगे एक फोटो खींचेंगे, भाई गाड़ी नीचे लेके आ रहा भैया और मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, मैं भी आता गाड़ी में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई दिखा नहीं वीडियो बनाने के लिए, ये देखो कोई है ही नहीं, तो मैंने कहा मैं नीचे जा रहा हूँ, आप जो है गाड़ी लेके नीचे आना, तो मैं उनकी एक वीडियो बनाऊंगा, आ जाओ मजा आ गया, अभी मजा आ गया, सही है सही है, गिर जाएगा बाकी नीचे हो जाए तो ज्यादा अच्छा, हाँ जी चढ़ गया जी मैं गाड़ी में, अब चल रहे हैं बाहर और अब भूख भी लगने लगी है, चल के अपनी गाड़ी पे फिर कहीं चलते हैं ढाबे पे या रेस्टोरेंट में, जो भी खाना वाना खाते हैं। कहीं से भी कट आ जाता है, ओ वही वाले रास्ते में ले आया भैया, ओ भाई ये इधर से अब इधर लेगा भैया, देखियो वहाँ पर ये इस पे, ओ भाई साहब मजा ही अलग है, कितने सारे हैं यार, ये इन्होंने स्पेशली बना रखे हैं, गए भी यहीं से थे आए भी यहीं से हैं, ओ भाई साहब यहाँ पे बाइक चलाने का कितना मजा है, पर बाइक तो चलेगी लीला रेत में, ओ भाई साहब मजा आ गया, अबे अपना बढ़ जाएगी, तू क्यों आवाजें मार रहा है, मैंने पीपी करके देखो राइड कर दिया, पीछे
जी, तो बहुत मजा आया हमारे को, अब थकावट भी बहुत हो रही है। जितना मजा आया उतनी थकावट भी हो रही है, बहुत हिलना पड़ता है भाई, है ना? लेकिन मजा बहुत आया, कुछ भी है। तो हमारे जो है ना गाड़ी वाले ने, भैया ने पैसे लिए 1500 रुपए और कैमल वाले ने लिए 100 रुपए पर राउंड, तो 1700 रुपए लगे और मजा आ गया, एंजॉय पूरा हो गया। ये पहुंच गए हम धरती धोरारी, अंदर चल के देखते हैं इसमें अगर कोई रेस्टोरेंट है तो खाना खाते हैं, नहीं होगा तो फिर आगे चल के देखेंगे। अभी मतलब वैसे ओपन नहीं है या ओपन नहीं अभी, अभी चालू ही नहीं हुआ? चालू नहीं हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, लो जी अभी तो चालू ही नहीं हुआ तो रेस्टोरेंट कहाँ से आएगा। ये देख डीजे वाले, रास्ते में हमें ये होटल दिखा है, होटल वीर तेजा एंड रेस्टोरेंट, देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने को मिलता है या ये भी बंद है। भैया मिल जाएगा ना खाना वाना? हाँ बस पीछे मिला नहीं ना इसलिए हमने कहा यहाँ भी पूछ ले। चलो बैठो यहीं बैठो जी। इसकी तो हाथ धोने में भी शैतानियाँ खत्म नहीं होती हैं, कमाल है यार तेरा। दिखा ले भाई ले, तेरे हाथ धोने का कोई बेनिफिट हुआ ये बता, हाथ धोने का कोई फायदा हुआ? जा दोबारा धो गया। कह रहे हैं 1:30 बजे असी रोटी खा लेने, अब 5 बज रहे हैं, 5 बजे खाना खाने लगे हैं। वैसे हम रूटीन में जो है 1:30-2 बजे रोटी खा लेते हैं, आगे पीछे भी खा लेनी चाहिए ना। ओहो भाई साहब को तो देखो नींद आ रही है, ओ कच्ची नींद, ड्रामा ड्रामा ड्रामा। भाई कितनी सारी चिड़िया है, ये चिड़िया तो देखने ही मुश्किल हो गई है, आजकल मिलती नहीं, और यहाँ देखो कितनी सारी है। वाह जी वाह। लो जी खाना आ गया, लबाबदार पनीर कड़ी, एक नूर का परांठा और अपने लिए रोटी। जी तो खाना खाने के बाद अब हम चल रहे हैं रीडी गांव रामानंद भाई के घर, और मेरी बात हुई है अभी उनसे, तो वो बोल रहे थे डूंगरगढ़ से मेरे दोस्त को लेते जाना दुर्गा राम जी, तो अब दुर्गा राम जी जो है हमारे साथ जाएंगे रीडी गांव। मेरे को तो लगा था खाली दुर्गा राम जी जाएंगे, अब आप भी आ गए, चलो बढ़िया है यार। और बढ़िया निपट गया काम, कहाँ कहाँ घूम गए? करनी माता मंदिर और वो जो सफारी करने गए थे हम, डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी हो गया था, कैमल राइड हो गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। करनी माता मंदिर कैसा लगा? हाँ वो भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसको तो गुरुवार से तो बहुत डर है चूहों से, देखने लायक तो बहुत बढ़िया था। रामानंद भाई बॉल खेलोगे के चलेंगे भी? अच्छा अच्छा वेट हो रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, खेलो खेलो। सिमर हाँ जी आजो। तो अब हम चल रहे हैं श्री डूंगरगढ़ खाना खाने के लिए। तो गांव से जो है ना शहर बार बार जाना ही पड़ता है, क्योंकि इधर जो है गांव के अंदर मिलता भी, हाँ मिलता तो सब कुछ है, लेकिन वो टेस्ट वैसा नहीं मिलता यहाँ, मतलब पसंद का नहीं मिलता। हाँ या बना हुआ, मतलब जो रेस्टोरेंट है जैसे बढ़िया वाले, वो चीजें नहीं है यहाँ पे। अभी डूंगरगढ़ जा रहे करनी हेरिटेज, करनी हेरिटेज भी है, अजीत दोस्त है। हाँ ये तो दोस्त हमारे साथ में ही है काफी देर से, ये दो बड़े ये पीछे बैठे है भाई, पीछे बच्चे बैठे हुए हैं। वो चलो दोस्त तो घर पे जा रहा था। हाँ गोल्डी भाई साथ में खाना खा के जाए। नहीं नहीं सही है सही है भाई, हम आगे निकल गए थे, हमें पता नहीं था कि ये हैरी भाई घर रह गया, ये नाराज हो गया था भाई से लड़के, तो अब मना के लाए हैं दुर्गा राम जी इसको। हाँ भाई नाराज नहीं होते, जाकर साहब लेके आए, ये भैया लेके आए हैं, चले अब देख ले तेरे चक्कर में हम वापिस आए हैं, इतनी दूर चले गए थे हम। चलो बेस्ट ऑफ लक, ओके ओके चलो। आए हैं अभी करनी हेरिटेज रिसोर्ट में। हाँ जी आ गए जी, आ गए आप लाए जी आपके देश में, ओ गणी गणी खम्मा जी। चलो जी चलो, तो रामानंद भाई लाए हैं करनी हेरिटेज रिसोर्ट में, जो कि वहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ आज खाना खाएंगे। लो जी लो एंजॉय हो रहा है।
यो आराम से आराम से भाई, आराम से गिर जाओगे भाई। ठंड बहुत ज्यादा है बाहर, गाड़ी से बाहर निकलते ही ठंड लगने लग गई है। जैकेट वैकेट पहन के आया हूँ इसीलिए। हाँ अंदर तो ठंड नहीं है। हेलो लो जी, आगे जी। यहाँ बैठ के आराम से डिनर करेंगे। ओ भाई, ओ भाई, आओ जी आओ, वेलकम जी वेलकम। हाँ जी, खाना खा लिया? खा लिया। प्लेटें तो खाली हो गई। झूठ कैसे? इसके लिए बर्गर से ऑर्डर करेगा, इसके लिए लड्डू ऑर्डर करते, लड्डू जैसे। ये प्लेट कैसे खाली है फिर? खाना खाया तो लिया आपने? नहीं, अभी प्लेट आई है, खाना नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो हम बच्चे भी यार अपना लगे रहते हैं। हैरी भाई, थ्री का मैं बोल देता हूँ। चुप रहे आप, नहीं आपसे बाद में, पहले एक बार भाई से। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ये भाई हैरी जो है नर्सरी के अंदर है, और ये इसके सर हैं, ये पढ़ाते हैं, और रामानंद भाई के दोस्त हैं। शाही पनीर, मिक्स वेज, मलाई कोफ्ता, नान, रोटी सब आ गई है। खाना खाने आए हैं यहाँ पे, ये जंक फूड आपके लिए। क्या करे, ये खाएगा तू हरी मिर्च? हाँ जी, तो खाना वाना खा लिया जी, अब चल रहे हैं घर के लिए। और बच्चे अभी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं उधर, झूला झूल रहे हैं। ठंड है इसलिए कह रहा हूँ, अंदर गर्मी थी बाहर आ गया, फिर ठंड लगने लग गई है। अब चलते हैं फटाफट, गाड़ी में बैठते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। रामानंद भाई, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है ना। रामानंद भाई तो यही बैठ गए, कह रहे भाई गाड़ी खोलो मैं आ रहा हूँ, और देखा भी पहली बार है। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ओके, गुड नाइट। ये भैया भी इधर ही गांव में ही रहते हैं, पर इनका घर थोड़ा सा दूर है। ओके सर, आओ जी। ओहो, अभी भी खेल रहा है तू? आते ही स्टार्ट हो गए हैं तो खेलना बच्चे। हाँ जी, तो खाना वाना खा के आ गए हैं, अब आराम करने लगे हैं। थकावट बहुत हो गई है सारा दिन घूम के, देखो भी हुई है। कैमल जब आ रही है, वो जो जीप थी, वो जो एक जगह नहीं आई थी, एकदम ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इतनी थकान है, हिले बहुत थे ना। तो अब जो है ना बहुत थकावट हो गई है, नींद आ रही है, और अब सोने लगे हैं। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय बाय।